नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने ओडिशा से तस्करी कर लाए जा रहे अवैध लौह अयस्क से लदे दो ट्रकों को जब्त कर लिया है। ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में हाटगमरिया थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें ट्रकों के मालिक पश्चिमी बंगाल के आसनसोल निवासी मोहम्मद अजहर सहित चालकों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए जगन्नाथपुर के SDPO प्रदीप उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिला खनन विभाग एवं पुलिस की टीम ने वाहनों की जांच शुरू कर दी थी, जिसमें इनके चालान फर्जी पाए गए। अभियान में खनन निरीक्षक सहित हाटगमरिया और जगन्नाथपुर के थाना प्रभारी भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक महोदय चैंबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा जिला के केंद्र जिला से अवैध आयरन कुछ वाहनों द्वारा चैंबासा होते हुए कहीं और जगह ले जा रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर और माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव के द्वारा एक टीम का गठन किया गया और इस टीम में हाटगमरिया थाना प्रभारी और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी सभी के द्वारा हाटगमरिया थाना के पास चेकिंग लगाया गया। उसी चेकिंग के दौरान केंदुझर जिला से आ रही ट्रक नंबर WB376135 एवं ट्रक नंबर WB33C1567 को चेक किया गया। माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव के द्वारा उनका चालान को चेक किया गया, उनका चालान को गलत पाया गया। इस संदर्भ में माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव के द्वारा एक लिखित आवेदन हाटगमरिया थाना को दिया गया, जिसके आधार पर हाटगमरिया थाना कांड संख्या 30/19 दिनांक 23/8/19 सेक्शन 467, 468, 420, 120B, 414 एवं माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सेक्शन रूल 11 रूल 2017 के विरुद्ध ट्रक नंबर WB371135 के चालक एवं ट्रक नंबर 1567 के चालक संतोष यादव एवं ट्रक के मालिक पर कांड के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया। दोनों चालक को विधिवत गिरफ्तारी कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। चैबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 9वीं और 2017-19 की द्वितीय आम सभा 25 अगस्त को माधव सभागार में होगी। इसमें सचिव द्वारा 2 साल के कामकाज का ब्यौरा रखा जाएगा। कोषाध्यक्ष सत्र 2017-19 के आय और व्यय का वितरण सदस्यों को देंगे। खुला सत्र में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब पदाधिकारी देंगे। किरीपुरु और आसपास के क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिरों में पूजा और कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। बच्चे श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजे दिखाई दिए। अपने मनमोहक अंदाज से बच्चे सबका मन मोह रहे थे। मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2019-21 के चुनाव की आज घोषणा की गई। कैफेटेरिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव अधिकारी और FGCCI के कोल्हान उपाध्यक्ष विकास मिश्रा ने पत्रकारों को इसकी जानकारी दी। सदर बाजार स्थित विकास टेंट हाउस को चुनाव कार्यालय बनाया गया है। 25 और 26 अगस्त को नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी और 27 अगस्त को नामांकन होगा। 28 अगस्त को नाम वापसी होगी।
1 सितंबर को रविंद्र भवन में चुनाव होगा। 19 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 398 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 10,000 नामांकन शुल्क और महासचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए 4,000 नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। सदस्य के लिए नामांकन शुल्क ₹2,000 होगा। नामांकन के बाद नाम वापसी लेने पर नामांकन शुल्क से 25% राशि काट ली जाएगी। रिकाउंटिंग के लिए ₹3,000 का शुल्क देना होगा। इस मौके पर चुनाव पदाधिकारी विकास मिश्रा और श्याम बिहारी अग्रवाल, सहायक चुनाव पदाधिकारी मुकेश राठौर उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सत्र 2019-21 का चुनाव की कल घोषणा आम सभा में कर दी गई है। 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। 25 और 26 अगस्त को आप नामांकन पत्र खरीद सकते हैं, जिसका शुल्क ₹200 है। 27 तारीख को आप नामांकन कर सकते हैं, उसमें अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुल्क ₹10,000, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के लिए ₹4,000, कार्यकारी सदस्य के लिए ₹2,000 शुल्क रखा गया है, जो पूर्व के भांति है। इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 28 तारीख को नामांकन वापसी की तिथि है और उम्मीदवार की घोषणा उसी दिन कर दिया जाएगा। 28 तारीख को कुछ खास नियम बनाएंगे। हाँ, 29 और 30-31 को प्रत्याशी अपना प्रचार करेंगे और 1 सितंबर को चुनाव रविंद्र भवन में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी और उसी दिन चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। पूरे पद और कार्यकारिणी की चुनाव प्रक्रिया एक ही मत पत्र में किया जाएगा। एक ही मत पत्र में सारे ही रहेंगे, उन्हीं में अपने आप को चुनाव करना है। अगर कोई नामांकन करने के बाद वापस लेते हैं अपने नाम को, तो 25% उसकी दर की कटौती की जाएगी और पुनः मतगणना अगर कराना चाहते हैं तो ₹3,000 उसका शुल्क जमा कीजिए, पुनः मतगणना होगी। नाम वापस इसमें आप लोगों के माध्यम से यह घोषणा करते हैं कि जो भी व्यवसायी इस चैम्बर से जुड़े हैं, अपनी उम्मीदवारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसी भी पद में तय करें और संस्था को आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि यह संस्था, जिसका गठन हुए अभी लगभग 5 साल हो चुका है, यह तीसरा सत्र है, 6 साल हो चुका है, आगे और अच्छे तरीके से काम करेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के निर्देश पर जिला उपायुक्त अरवा राजकमल और उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में मानके मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगवा को संघ के केंद्रीय कार्यालय की चाबी सौंप दी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उज्ज्वला दीदी प्रमंडलीय सम्मेलन में शुक्रवार को मानके मुंडा संघ को कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराने का निर्देश जिला प्रशासन को दिया था। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर संज्ञान लेते हुए गीतलिपि चौक स्थित भवन को मानके मुंडा संघ के अध्यक्ष को शनिवार को चाबी सौंप दी। इस मौके पर काफी संख्या में मानके मुंडा शामिल थे। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के चैमासा दौरे पर मानके मुंडा संघ ने कार्यालय भवन उपलब्ध कराने का ज्ञापन दिया था। ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए 10 दिन के अंदर कार्यालय भवन मानके मुंडा को उपलब्ध करा दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर वार्ता करते हुए मानके मुंडा के माध्यम से विकास कार्यों से वंचित रहे गांव को भी विकास की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 14 अगस्त को बंदगांव आए थे, उस समय इस जिला के मुंडा मानकी संघ के अध्यक्ष और सचिव और सभी सदस्यों के साथ उन्होंने वार्ता किया और मुख्यमंत्री जी के परशुएं से जो रसीद मैन्युअली काटने का जो शक्ति उनको मिला है, उससे वो काफ़ी संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी को वो पुरस्कृत भी किए, सम्मान भी किए। इसके बाद उनका कुछ जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जी का ध्यान वो आकृष्ट किए, खास करके डकुआ का पेमेंट बढ़ाने के बारे में
और पुजारी जो देवरी जो रहते हैं गांव में, जो पूजा करते हैं आदिवासी रीति रिवाज में, उनको मानदेय देने के बारे में, उनके लिए कोई कार्यालय या कोई बैठने की व्यवस्था करने के बारे में, या कुछ और जो जो मुंडा मानकी का जो पेंडिंग नियुक्ति के संबंध में हो, या दीवानी वाद ट्रांसफ़र करने के संबंध में हो, कई सारे मुद्दे उन्होंने सीएम साहब के सामने लाए। तो काफ़ी खुशी की बात है कि सीएम साहब सिर्फ 10 दिन के अंदर ही, जैसे वो फिर चाईबासा आए, ये निर्देश दिए हैं कि बहुत जल्दी सरकार के अधीन जो भी बिल्डिंग होगा उसको उनको हैंड ओवर करने के लिए। अभी DPS स्कूल में जो सरकारी ज़मीन पर जो बनाया गया बिल्डिंग जो सरकार के कब्जा में जो है, उसको यूज़ के लिए उनको हैंडओवर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार आज उनको चाबी भी सौंपा गया, और उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़रूरत हो वो सपोर्ट लगातार सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा करता रहे। आज कई सारे मुंडा मानकी संघ के अध्यक्ष और उनके पूर्व अध्यक्ष और कई सारे पदाधिकारी मेरे सामने आए, और अपने अपने गाँव में जो विकास योजना है, कृषि आशीर्वाद योजना से लेकर भूमिहीन लोगों को ज़मीन देने के संबंध में कई सारे विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा हुआ। उन लोगों के लिए क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा चलाना चाहिए, कहीं कहीं इंपॉर्टेंट रोड्स हो, ये सब के बारे में उन्होंने सीधा फीडबैक दिया है, और मैंने एश्योरेंस उनको दिया जितने भी समस्याएँ हैं या जो भी सूचनाएँ हैं ससमय उनके द्वारा हमको देते रहे। तो जिला प्रशासन हमेशा उन लोगों के साथ, उन लोगों का सहयोग लेने के लिए और उन लोगों को सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कमिट किए हैं कि और भी जो लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज है, जो विभाग से स्तर से भी निष्पादन की आवश्यकता है, वैसे मैटर में भी लगातार मुख्यमंत्री जी खुद उसको रिव्यू करेंगे, और यहाँ के मुंडा मानकी को जो विशेष स्थान उन्होंने दिया है वो जरूर उसको बरकरार रखते हुए उनके अधिकार का प्रोटेक्शन से लेकर उनके और प्रशासन में उनके द्वारा जो करने वाले कार्य हैं उसमें भी और सुविधा के साथ वो कैसे कार्य करें, इसके बारे में वो आवश्यक निर्णय सरकार के स्तर से भी। कार्यालय भवन की चाबी लेने पर मानकी मुंडा ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। ये मुख्यमंत्री रघुवर दास जो 23/8/2019 को टाटा कॉलेज आए थे, उसमें बताए कि द्यूरी लोगों को प्रति महीने 1000 रुपया करके सम्मानित किया जाएगा। ये सुन करके मेरा मैंने खुशी से रोंगटा खड़ा हो गया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि द्यूरी लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय रहता है, और द्यूरी और मुंडा का बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इस संबंध को मैंने हम लोग ठीक से रख नहीं पाते हैं, क्योंकि द्यूरी लोगों का आर्थिक स्थिति इतना दयनीय रहता है कि हम लोग का मन छोटा हो जाता है, मैंने हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। अब सरकार की ओर से द्यूरी लोगों को जो 1000 रुपया मिलता है, इसमें उन लोग का आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगा, और हीन भावना से जो हम लोग ग्रस्त थे, हीन भावना से अब ऊपर उठ जाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास को बहुत बहुत बधाई। बीच में हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी से कुछ ज्ञापन सौंपे थे, उसी के आलोक में हम लोग बात रखे थे चाईबासा टाउन के अंदर में एक भवन चाहिए, हमारा संख्या बहुत अधिक है, 400 से 500 के बीच में कभी कभार प्रोग्राम होगा, तो वो चीज़ हम लोग रखे, तो सीएम साहब ने बहुत ही जल्दी हम लोग को बनाया भवन DC साहब के साथ बातचीत करके आज चाबी और कागजात सौंपा मानकी मुंडा संघ कुलान पोराट केंद्रीय समिति को, और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को मानकी मुंडा संघ की ओर से बहुत बहुत उनको हम लोग धन्यवाद और बधाई देते हैं, साथ में हमारा DC सर को भी बधाई देते हैं। जी, अभी हम लोग मानकी मुंडा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जिले के उपायुक्त से मिलकर के आ रहे हैं, उनसे यही बात हुआ है कि जो भी हमने सरकार के पास में मांगे रखी है उन सब का मांग एक एक करके उन्होंने जो सरकार है
पूरी की है। जैसे हमारे एक मांग था, हमारे मानकी मुंडाओं को जिला स्तर पर जो बैठक होती है उसमें काफ़ी संख्या में हमारे मानकी मुंडा लोग आया करते हैं, लेकिन हमारा जो एक विश्रामागार है उसमें मात्र 100 आदमी को बैठने का जगह है, जिससे हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता था। तो इसलिए हम लोग इस पर मांग रखे थे कि हम लोग को एक ऐसा हॉल दिया जाए जिस पर हमारा 500 से लेकर 1000 तक का मानकी मुंडा उसमें उपस्थित हो सके। तो इसी मांग को उन्होंने बहुत जल्द से हमारा पूरा कर दिया गया है, तो इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे मांग को उन्होंने बहुत ही अतिशीघ्रता के साथ पूरा कर दिया। हम लोग ये मांग जो है हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय रघुवर दास जी के पास ये रखे थे। हम लोग हमारा प्रतिनिधिमंडल 17 जुलाई को गए थे, उस समय ये मांग सब रखा गया था उनके पास में, मैंने ठीक एक महीना के अंदर में उन्होंने हमारी मांगों को पूरा कर दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने पिछला एक महीने के क्रम में लगातार सिंहभूम का दौरा करके और स्वशासन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जुड़े मानकी मुंडा को विशेष अहमियत देते हुए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। विगत 14 अगस्त 2019 को कराईकेला के हुरंगदा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसी क्रम में हम लोगों ने अपनी मांग रखी कि कोलान पोड़ाहाट के जो सिंहभूम जिला है यह 3 अनुमंडल का एक जिला है, जगन्नाथपुर सदर और पोड़ाहाट, लेकिन मुंडा मानकी का अपना कोई निजी भवन नहीं होने की वजह से कई बार हम बड़े बृहद रूप में कोई कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। और कल की जो बात है माननीय रघुवर दास जी ने एक और अध्याय उस पर जोड़ते हुए गांव के जो ग्राम दिवरी जिसको पहान कहा जाता है रांची इलाका में, उनको भी 1000 रुपये सम्मान राशि देने का उन्होंने काम किया है। तो ये सच कहा जाए कि रघुवर जी ने यहाँ आकर के मुंडा मानकी का मान बढ़ाया, जिसके लिए पूरा कोलान पोड़ाहाट के जनजाति समुदाय जो चिंतित थे कि हमारी व्यवस्था पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा कोलान पोड़ाहाट के मानकी मुंडा की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। झम्मो की 12 सितंबर को पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चैवासा में होने वाली बदलाव यात्रा से आम सभा के सफल आयोजन की तैयारी को लेकर परिसदन में बैठक हुई। बैठक में बदलाव यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की गई। झामुमो जिला समिति की बैठक में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए 21 सदस्यीय तैयारी समिति का गठन किया गया। समिति में जिला अध्यक्ष और सचिव के अलावा विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। बैठक में बदलाव रैली से आम सभा में 50,000 लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी संगठनों को बैठक करने का निर्देश दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।